हमास नहीं जीत पाएगा गाजा युद्ध। अगर ये कहा जाए कि गाजा की जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गाजा की सुरंगों में हमास बेसब्री से इजराइल की आईडीएफ को तबाह और बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास का सफाया करने के लिए इजरायली फौज को हमले का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं? आखिर नेतन्याहू हमले का ग्रीन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? चार हफ्ते की जंग में अभी भी यही सस्पेंस बना हुआ है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनन के बॉर्डर पर हर दिन 500 हमले करने वाला इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले क्यों नहीं कर रहा है? 30,000 के करीब गाजा की इमारतों को जमीन में गाड़ने के बाद भी इजराइल की आईडीएफ हमास को जमीनी हमले में क्यों नहीं मार पा रही है? हम आपको गाजा युद्ध की ऐसी हकीकत और सच्चाई बताने जा रहे हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। हमास के पास 5,00,000 लीटर वाला पेट्रोल पंप, इजराइल की मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5,00,000 लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल पंप की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1,300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने के लिए जेट पंप लगा लिए हैं ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंक कर आग लगाई जाए। अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल पंप की चपेट में आई तो उसे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखे 5,00,000 लीटर ईंधन को हमास पेट्रोल पंप की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजरायल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। हमास नहीं जीत पाएगा गाजा युद्ध। यही वजह है कि हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना के टॉप जनरल और कमांडर्स माथा पच्ची कर रहे हैं कि सुरंगों में घुसकर कैसे हमास के 25,000 लड़ाकों का सफाया किया जाए। इसीलिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में राहत सामग्री के नाम पर पेट्रोल और डीजल नहीं जाने दे रही क्योंकि उसे पता है कि हमास इस ईंधन को इजरायली सैनिकों के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन ऑन रेकस ने तो साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में पेट्रोल और डीजल नहीं जाने देंगे। And neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel. उत्तर से दक्षिण तक हर दिन 500 हमले, 700 मौत। गाजा इंतजार कर रहा है। गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना
गाजा पट्टी में उत्तर से दक्षिण तक, वेस्ट बैंक और लेबनान बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रही है। इजराइल की आईडीएफ हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रही है। इजरायली सेना ने बताया कि नेवी ने खान योनोस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। ये साइट मस्जिद और किंडर गार्डन के एकदम पास में मौजूद थी। वहीं इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे। उन्होंने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया। ואנחנו נקבל החלטה ביחד עם הדרג המדיני אודות המהות והעיתוי של השלב הבא. אנחנו מנהלים מלחמה. בשלב הזה ישנם שיקולים טקטיים עד אסטרטגיים שמאפשרים לנו עוד זמן לשפר ולנצל כל דקה כדי להיות מוכנים אפילו יותר. इजरायली सेना किसी भी कीमत पर 7 अक्टूबर का बदला हमास के सफाये के साथ पूरा करना चाहती है। इधर हमास को मुस्लिम देशों से जबरदस्त साथ मिलने लगा है। ऐसा लग रहा है कि हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया, उसने मुस्लिम देशों में इजरायली सेना के खौफ को काफी कम कर दिया है। इसका असर गाजा पट्टी में भी देखने को मिलने लगा है। खबर आ रही है कि भले ही इजरायली सेना की चेतावनी की वजह से उत्तरी गाजा में मौजूद 11 लाख फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों में से 6 से 8 लाख लोग दक्षिणी गाजा भाग गए हों, लेकिन अब उत्तरी गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों ने डंके की चोट पर उत्तरी गाजा से भागने से साफ इनकार करना शुरू कर दिया है। وبقول لك على الملأ هيك ما بيهمنا اي حاجه واعمل ما بوسعك اعمل ما بدك كل شباب غزه بتقول لك احنا صامدين من الشرق للغرب حماس نہیں جیت پائے گا غزہ یوت असल में उत्तर से दक्षिण गाजा की तरफ भागने के लिए गाजा के लोगों को लगभग 14 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ रहा है, जबकि उत्तर से जान बचाकर भाग रहे गाजा के लोगों पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में भी भयानक हवाई हमले करने लगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी के लोगों के मुताबिक दक्षिण गाजा में इजरायली वायुसेना ने भयानक तबाही मचाई है। एक हमले में मिस्र की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर खान योनस में कई अपार्टमेंट की इमारतें ध्वस्त हो गईं। इजराइल की आईडीएफ ने कहा है कि भले ही हमास का मुख्य शक्ति केंद्र गाजा शहर में है, फिर भी ये पूरे इलाके में आम नागरिकों के बीच फैला हुआ है। इजराइल ने साफ कहा है कि जहां भी हमास का ठिकाना होगा, आईडीएफ उन पर हमला करेगी। दूसरी तरफ यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अमेरिका की बात मानकर गाजा पट्टी में जमीनी हमले को कुछ समय तक टालने के लिए तैयार हो गया है। इस बीच पहली बार इजराइल के पीएम बेनियामिन नेतन्याहू ने माना कि इजराइल 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में नाकाम रहा। नेतन्याहू ने कहा कि आने वाले समय में 7 अक्टूबर को हमास का हमला न रोक पाने के लिए मेरे साथ ही सभी को जवाब देना पड़ेगा और मैं हर हाल में जवाब दूंगा। צריך גם יהיו מחירים. תערכו כמו שצריך, תהיו מוכנים, נפשית, פיזית, ציוד, אמצעים. אנחנו נגיע לתוך השטח ואנחנו נחסל את החמאס. פשוטו כמשמעו, אחרת לא יהיה לנו קיום כאן. בתנאי. 10,000 के करीब फिलिस्तीनी और गाजा समर्थक अब तक मारे जा चुके हैं। गाजा में जनाजों के साथ हथियार लिए लोग इजराइल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। अब देखना होगा कि अगर हमास पर इजरायली सेना जमीनी हमला करती है तो क्या हमास इजरायली सेना को 7 अक्टूबर जैसा सरप्राइज दे पाएगा।
या फिर इजराइल जानबूझकर हमला ना करने का प्रोपेगेंडा फैला रहा है ताकि हमास को भी 7 अक्टूबर जैसा मजा चखाया जाए।